नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसदों का सामूहिक निलंबन पूर्व निर्धारित और सरकार की ओर से पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। उपराष्ट्रपति की ओर से तमाम मसलों पर चर्चा के लिए बुलाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दिया है। खड़गे ने कहा है कि वह फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं और उन्होंने नई बैठक का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं फिलहाल दिल्ली से बाहर हूं, यह मेरा विशेष अधिकार होगा और वास्तव में मेरी ड्यूटी होगी कि मैं दिल्ली वापस आते ही आपके सुविधा अनुसार जल्द से जल्द मिलूं। खड़गे ने शीतकालीन सत्र के बाद धनखड़ के सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की है। उनका कहना है कि इसका उत्तर खुद को संविधान, संसद, संसदीय प्रथाओं और लोकतंत्र में सहज विश्वास के प्रति सच्चा रखने में निहित है, जबकि एक सत्तावादी सरकार संसद को खत्म करने पर आमदा है। इससे पहले राज्यसभा सभापति ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि उन्होंने सदन के चैंबर में बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया था जिसे अस्वीकार किया गया। उपराष्ट्रपति का कहना था कि इससे उन्हें दुख पहुंचा है। वहीं उन्होंने खड़गे को पत्र लिखकर शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निलंबन को लेकर चर्चा करने का सुझाव दिया था। इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की गई। वहीं इस बार संसद का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार रहा है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली, जहां लोकसभा में विजिटर गैलरी से दो लोगों ने कूदकर स्मोक बम का इस्तेमाल किया। सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग की। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही में व्यवधान खड़ा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा में व्यवधान पैदा करने की वजह से विपक्ष के 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया।